हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों को गलत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गलत फोटोग्राफी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोडेक्स के ट्रिगर के बारे में। गोडेक्स का एक्स प्रो सी ट्रिगर है, सी कैनन के लिए है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस गोडेक्स के ट्रिगर के बारे में। दोस्तों इसको मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ऑन ऑफ का दो ऑप्शन दिए हैं। ये इसका पावर का ऑप्शन है, यहाँ पे ये इसकी जो रोशनी है इसमें से यहाँ से निकलती है वो है। ये यहाँ से ये यहाँ पे पैनल दिया हुआ है, यहाँ से इसकी रोशनी निकलती है जो कि सब्जेक्ट को रीड करती है कितनी दूरी पर हमारा सब्जेक्ट है और कितनी रोशनी उसको चाहिए। यहाँ से किरणें निकलती हैं, तो वो यहाँ से अगर इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से लाइटें किरणें जो यहाँ से निकलेंगी, अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो ये किरणें नहीं निकलती हैं। ऑटोमेटिक ये काम नहीं करेगा, मैनुअली काम करेगा। तो दोस्तों इसको मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ से ये मैंने ऑन कर दिया। तो दोस्तों ये ETTL है, इस समय ये यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दिया है, जैसे कि मैंने फ्लैश में भी बताया, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने ट्रिगर में ऑप्शंस दिया है। इसको हम दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अब ये रीसेट हो गया है, तो ये अभी मैनुअली है। तो यहाँ पे ये इन्होंने 1 2 3 4 5 ये ABCD ये फंक्शन दे रखे हैं। इसको हम अलग से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये डी पे ई पे ए पे, तो ये ग्रुप है ऊपर नीचे, यहाँ से ये इन बटन से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने मूड दिया हुआ है, यहाँ से जैसे ये यहाँ पे ये वाली फंक्शन पे हमें जैसे हमें ये वाला फंक्शन चाहिए तो हम ये इस फंक्शन इस तरीके से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे फंक्शन यूज़ करना चाहें तो ये इस तरीके से हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जूम का जैसे जूम एंड CH लिखा हुआ है, तो जूम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि फ्लैश में मैंने आपको बताया गोडेक्स की V860 सेकंड सी फ्लैश के बारे में, ऐसी ये यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन इसमें दे रखा है। तो ये फ्लैश की जो जूम पावर है उसको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कैमरे के ऊपर लगा करके। तो यहाँ से जूम का ऑप्शन ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस रिंग से, और इसको थोड़ी देर पर हम प्रेस रखते हैं तो इसके चैनल्स खुल के आ जाएंगे। चैनल 1 है और ये 32 चैनल्स तक काम करता है। ये हो गया सिंक का ऑप्शन हो गया है, यहाँ ये सिंक आ गया हाई स्पीड सिंक का। तो अगर हम इसको लगा रखे हैं तो फ्लैश में ऑटोमेटिकली हाई स्पीड सिंक का ऑप्शंस आ जाएगा इसमें। तो और ये हो गया, यहाँ से ग्रुप हो गया, ग्रुप हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस डायल से, और ग्रुप हम यहाँ से ना सिलेक्ट करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इन फंक्शंस में जा करके। ये ग्रुप हो गया, ये मूड का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ये कस्टम जो इसके फंक्शंस हैं इस वाले बटन को दबा के कस्टम फंक्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को देखेगा आप किस समय क्या क्या फंक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये फंक्शंस हो गए, इसमें ये मूड अभी M लिखा हुआ है तो ये मैनुअल मूड पे है, और मूड को हम दोबारा से दबाएंगे तो ये ऑफ हो गया, एक बार और दबाएंगे ETTL हो गया, यानी कि ऑटोमेटिकली टेस्ट कस्टम जो ऑटोमेटिकली ये ETTL हो गया। तो इस समय ये ETTL पे है, तो ये अब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा जो फ्लैश की पावर है कैमरे के साथ में, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। और यहाँ पे अगर इसको मूड को M पे करते हैं तो अब यानी कि जितनी सेटिंग हम इसमें रखेंगे कैमरा अपनी सेटिंग पे काम करेगा और ये अपनी सेटिंग पे काम करेगा। अगर हम ETTL पे लगाते हैं इसको तो ये कैमरे के साथ में जो सेटिंग्स रिक्वायरमेंट होगी फ्लैश की लाइट की जितनी ज़रूरत होगी तब ये उतना काम करेगा। ये जूम का ऑप्शन हो गया, यहाँ से ये वाला बटन है ये फ्लैश की फायर को चेक करने के लिए इस वाले बटन से। तो ये कुछ फंक्शंस हैं दोस्तों गोडेक्स की एक्स प्रो वायरलेस ट्रिगर के। तो दोस्तों बाकी इसको ट्राई कीजिएगा और इसको यूज़ करके देखिएगा, आप जितना इसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा जानकारी इसकी आपको मिलती चली जाएगी। तो फिलहाल बेसिक्स कुछ जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो के नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बराबर वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा मुझ पर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।